हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच जीके वीवीआई क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बिहार पुलिस का लेके आया हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी आप बताएंगे कमेंट में कि यूनेस्को की स्थापना कब, 24 फरवरी 1945, 24 दिसंबर 1948 और 16 दिसंबर 1945, ये आपके, और 11 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 16 नवंबर 1945। कितना आंसर हो जाएगा, 16 नवंबर 1945, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ बताएंगे। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पेरिस, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। खरीफ की फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बुलाई जाती है, खरीफ की फसल मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जून जुलाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो, जून जुलाई। खरीफ की फसलें कब काटी जाती है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है आपको बताएंगे क्या होगा, खरीफ की फसल जून जुलाई में कि मार्च अप्रैल में कि अक्टूबर नवंबर में कि जनवरी फरवरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय जो था कौन था, तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंग्स। कौन सा होगा, विलियम बेंटिंग आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, ये सॉरी इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, डॉक्टर लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय, इसके कार्यकाल में 1857 क्रांति दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिससे था देश द्वारा पेश, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे पेश किया था, कौन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलेजली, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड विलेज, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखिए लॉर्ड विलेजली 1798 से 1805 की सहायक संधि प्रति शुरू के भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजली ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य में हैदराबाद 1798 से 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 से 1801 ईस्वी आदि, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। कंप्यूटर भाषा फोरट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी, कंप्यूटर भाषा फोरट्रेन जो है किस क्षेत्र में संबंधित, ये हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विज्ञान के क्षेत्र में, कौन सा विज्ञान, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, कौन सा सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी होता है, कोबल जो होता है व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के, वैज्ञानिक कार्य में कोई नहीं, तो कोबल जो होता है आपका कौन सा कार्य के लिए, ये होता है व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए, कौन सा व्यावसायिक कार्यक्रम, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, कौन सा व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति किसने बनवाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप नीति कौन बनवाया था, कौन बनाया था, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। राज्य में हड़प नीति व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिसके तहत 1748 से जैतपुर संभल का 1805 उदयपुर 1852 ईस्वी जहाँ से 1803 नागपुर आदि रियासतों के अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। इनमें किन कोशिकाओं के नाभिक नहीं होता, कोशिका के नाभिक ने मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटर, मोनोसाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, लाल रक्त कोशिका। वह अगला क्वेश्चन बताना, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास के प्रजनन करने में समर्थ होता है, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा,
माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा ऑप्शन आपका सी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा काबुल, दिल्ली, शाहदरा, इलाहाबाद, इसका राइट आंसर दिल्ली, ऑप्शन आपका कौन सा है बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तु 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 कला से प्रेरित मकबरा है, या दिल्ली के तीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास स्थित है, वर्ष 1527 में मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो कहाँ पे है, तो देखिए विश्व बैंक का जो मुख्यालय है मनीला, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जनेवा, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन आपको बता, बंगाल सती विनियम 1829 भारत किस गवर्नर जनरल लगाया गया था, बंगाल में सती विनियम 1829 भारत किस गवर्नर जनरल लगाया गया था, तो एडवर्ड लो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर हेनरी विलियम हॉबर्थ हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल सन 1828 से 1835 तक, 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके कार्यकाल में राजा राममोहन राय की मदद से अधिनियम सत्रह के द्वारा सती प्रथा उन्तीस को समाप्त कर दिया गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा कथन गलत है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसका आंसर हो जाएगा पदार्थ के कण एक स्थिर अवस्था में होते हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा निम्न में कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक है, कौन सा तत्व है ना यौगिक है, वायु, जल, पारा, नमक, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वायु, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा है ए। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्रासरण, विपरीत प्रसारण, साइक्लोटर, इसका राइट विपरीत प्रसारण, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौन सा लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर श्री राजगोपाल जी भारतीय गवर्नर थे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, उत्तक, अंग, राइबोसोम थे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कोशिका, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न से कोशिकाओं में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में कोशिकाओं में किन की भूमिका सबसे अधिक है, लाइसोसोम या सेंटोरोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः जालिका और राइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः जरब, जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सस्पेंस के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सस्पेंस के प्रारंभ में जेल चले गए थे, सी आर दास, सी विजय राघवाचारी, आर एन मधुलकर, दास बिहारी बोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी आर दास, ऑप्शन आपका कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ए। तो सी आर दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1992 का अधिवेशन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लिंग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष के में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लिंग ने दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 1916, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा 1916। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था, हवा महल का निर्माण जो किया था सवाई
महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगदेव सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो मेरे ख्याल से महाराजा सवाई प्रताप सिंह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक राजसी महल है, जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तु का लाल चंद वास्तुकार डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत, जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट से मीटर है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने किया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने हुआ था? सफ़ेद और हरे संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलों पत्थर, सामने चट्टान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल और गुलाबी पत्थर। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, कौन सा, लाल और गुलाबी पत्थर। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल गुलाब और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। इसके वास्तुकार श्री लाल चंद्र उस्ताद से है। इसके सांस्कृतिक शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अंगूठा मिश्रण है। 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया? यह अधिवेशन 1937, लखनऊ अधिवेशन 1936, लाहौर अधिवेशन 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी। इन्हें कौन उर्ध्वपतन कर सकता, उर्ध्वपतन कर सकता? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लंदन, न्यूयॉर्क, बॉन, मोंट्रियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नक्षत्र ग्रहण, पूर्णिमा दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी? सुएज नहर की लंबाई 110, 150, 168, 125। तो सुएज नहर की लंबाई 168 मीटर। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ में जन्म लिया थे? कौन से मुगल शासक जो थे राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? शाहजहां एवं औरंगजेब, अकबर एवं जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, हुमायूं और जहांगीर। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जहांगीर और शाहजहां। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। वाकलियर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा, वाकलियर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त, केनिंग, लिटन, रिपन, कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिपन। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेनिन कहाँ का शासक था? लेनिन था इंग्लैंड का, जर्मनी का, सोवियत रूस का या फ्रांस का? तो लेनिन जो था आपका सोवियत रूस। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। खुदाबख्श पठागर कहाँ स्थित है? खुदागर पठागर स्थित पटना में, मुजफ्फरपुर, गया, हजारीबाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पटना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए। फिलिस्तान किनके विरोध में लड़े थे? फिलिस्तान चीनियों, अरबियों, यहूदियों, इनमें से कोई नहीं। तो फिलिस्तान जो लड़े थे किससे लड़े थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंधरी कारखाना में क्या बनाया जाता? सिंधरी का लोहा, इस्पात, खाद, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, खाद। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी हो जाएगा। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है आपका 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नई दिल्ली का शिलान्यास 1511 को किया गया था। नई दिल्ली का शिलान्यास 1511 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने, महारानी विक्टोरिया ने, लॉर्ड विले पेंटिंग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी थी? राजा रवि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी थी?
तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, थ्योरा जेनसेन से। थ्योरा जेनसेन ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक क्या है, पवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है ग्लिफेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ए एन ऑटोबायोग्राफी, इंडियन ट्रू मोनार्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन लिखा, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 45। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्न में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया था, निम्नलिखित में निम्न में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया था, गूगल, TCS, फेसबुक, अमेजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल, कौन सा हो जाएगा, गूगल। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है, उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों आपका हो जाएगा, आय विधि और उत्पीत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, कांस्य युग, लोहिना पाषाण, पुरा पाषाण। हड़प्पा सभ्यता जो थे कैसा युग था, कांस्य युग, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, मांडा, कालीबंगा, बनाली, सुदरकोटद्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदरकोटद्दा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, अशोक के अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख की जानकारी, काल से, किना, दिल्ली, तेरहवीं शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरहवीं शिलालेख, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पोडजोल क्या है, पोडजोल कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, वह मिट्टी जिसकी औसत काफ़ी उर्वर होती है। इसका राइट कोणा वन प्रदेशों से मिलने वाली मिट्टी, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये। अंग्रेजों ने किप्स मिशन को भारत के किस उद्देश्य में भेजा था, अंग्रेजों को ने किप्स मिशन भारत के किस उद्देश्य भेजा था, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड में पूर्व युद्ध प्रयत्न में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने, ब्रिटिश संसद विरोधी दल को शांत करने के लिए, इंग्लैंड में युद्ध प्रांतों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक कहाँ पाए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन का सर्वाधिक असम के पहाड़ी, सिक्किम के पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी। इसका राइट नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपका मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।